आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद से ही लगातार कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है। एक ओर जहां कोलकाता में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोने कोने से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि वे शव को संरक्षित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें दाह संस्कार के लिए मजबूर किया गया। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता और रिश्तेदार सरकारी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनकी बेटी का शव उनके सामने था तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें पैसे की पेशकश की। पीड़िता के माता पिता के साथ मौजूद रिश्तेदार ने कहा, हम शव को सुरक्षित रखना चाहते थे लेकिन बहुत दबाव बनाया गया। लगभग 300 से 400 पुलिसकर्मियों ने हमें घेर लिया। हम घर लौटे और देखा कि लगभग 300 पुलिसकर्मी बाहर खड़े थे। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हमें उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दाह संस्कार जल्दबाजी में किया गया और इसका खर्चा भी परिवार से नहीं लिया गया। कुछ पुलिस अधिकारियों ने एक खाली कागज पर उनके हस्ताक्षर लेने की कोशिश की। मैंने इसे फाड़कर फेंक दिया। जब मेरी बेटी का शव हमारे घर पर था तो डीसी नॉर्थ ने हमें कुछ पैसे देने की कोशिश की। हमने उसे तुरंत जवाब दिया। अपने दोस्त और सहकर्मी के लिए न्याय की मांग को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए पीड़िता की मां ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं चाहती हूं कि अपराधियों की भी नींद टूटे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक विरोध जारी रहना चाहिए। वहीं पीड़िता के पिता ने सवाल उठाया कि अस्पताल के अधिकारियों ने शव की जांच से पहले ही उन्हें क्यों बताया कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या से हुई है। उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए 3.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। उसकी माँ हमें उसे देखने देने के लिए उनके पैरों पर गिर पड़ी। शव परीक्षण में देरी क्यों हुई? पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों दर्ज किया? उन्होंने शिकायत दर्ज की ताला पुलिस स्टेशन में शाम 7 बजे के आसपास और FIR 11:45 बजे क्यों दर्ज की गई? अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टरों का शव मिलने के बाद का घटनाक्रम बार बार अदालतों में सवालों के घेरे में आ गया है, जबकि कोलकाता पुलिस ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पीड़िता के माता पिता को सेमिनार हॉल में ले जाने से पहले सिर्फ 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा जहां शव मिला था। माता पिता ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया और विनती की। वहीं पीड़िता के माता पिता ने पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद मामले की जांच CBI को स्थानांतरित कर दी गई थी। 9 अगस्त की घटना के खिलाफ कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर 4 सितंबर की रात शहर के निवासियों ने 1 घंटे के लिए अपनी लाइटें बंद कर दी। विरोध प्रदर्शन के तहत विक्टोरिया मेमोरियल और राजभवन जैसे स्थलों पर भी लाइटें बंद कर दी गईं। राज्यपाल CV आनंद बोस ने भी राजभवन में मोमबत्तियां जलाईं और सोशल मीडिया एक्स पर इसे शेयर किया और उन्होंने कैप्शन में लिखा, जब प्रकाश भय है अंधेरा प्रिय है। वहीं लगातार प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। देखिए, पूरा देश चाह रहा है इसमें जस्टिस हो और डॉक्टर्स की इस नॉन पॉलिटिकल कॉल को हमने इसको समर्थन किया। हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी पार्टी की झंडा हटाकर नेशनल फ्लैग को लेकर हमने 1 घंटा दीप जलाए, किसी ने कैंडल जलाए, लेकिन इस नॉन पॉलिटिकल कॉल के साथ हम जुड़े हुए हैं क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ये स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि इस आंदोलन कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सोसाइटी का आंदोलन है। सोसाइटी लीड कर रही है, हम पीछे हैं। तो इसी हिसाब से सोसाइटी लीड कर रही है, सोसाइटी ने कॉल दिया था, हम उसके पीछे खड़े रहे। मैं उनको धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो पहले से ही उनकी माताजी ये चाहती थी। मैं 2 बार गया उनके साथ मिलने के लिए, उनके लड़ाई के जज्बा, जिंदगी के सब कुछ खोने के बावजूद जो लड़ाई का जज्बा उनमें अभी भी जीवित है, इसके लिए मैं उनको उन परिवार को, परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हम इससे थोड़ा आशाहत तो हुए हैं, लेकिन पूरे बंगाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें टिकाई हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आगे आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेगा। बंगाल के लोग आशंका में भी है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में भारी भरकम लॉयर कपिल सिब्बल जैसे लॉयर जिनको ममता बनर्जी करोड़ों रुपया देकर अपने पक्ष में खड़े करते हैं, उनके
भारीपन के कारण जस्टिस थोड़ा डिले हो जाता है। तो जस्टिस अगर डिले हो जाए या डिनाइड हो जाए, दोनों में ही जनता को दुख मिलेगा। देखिए, ममता बनर्जी के प्लानिंग है, ममता बनर्जी हर तरीके की हथकंडे अपना रही है, तो करेगी ही, क्योंकि उनके घर के बंदे फंसे हैं, उनके बेटे जैसे लोग फंसे हुए हैं। बड़ा फेस सीबीआई का, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सील लिफाफे बंद में इस बार जो भी डिटेल्स है या डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट किए। देखिए, करप्शन में बहुत सारे लोग फंसेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वी आर हैविंग लाइक्स इन आवर हाई, हम लोगों का सारा और सारा होप अभी जस्टिस के ऊपर है। एक तरफ हमें कोलकाता पुलिस ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, वैंडलाइजेशन करके, एविडेंस टैम्परिंग करके, हमारा सारा होप अभी जस्टिस पर है। तो हम लोग जस्टिस चाहते हैं, वी डिमांड जस्टिस एंड वी वांट जस्टिस एंड वी बिलीव कि हमें जस्टिस सर्व होगा। दैट्स व्हाई वी आर कमिंग आउट विद द होप ऑफ जस्टिस विद द लाइट। जिन लोगों ने ये सब किया है उनको पकड़ा जाए, उनको सजा मिले, वही उसको ही पाने में आज 25 दिन हो गए। वही हमारा डिमांड है, मेन डिमांड तो वही है कि जस्टिस चाहिए, जिन्होंने भी ये किया है वो पकड़े जाए और उनको बहुत अच्छी खासी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी ऐसा कुछ करने के पहले कम से कम 100 बार सोचे और दोबारा हम किसी को ये सब करने की नौबत ना आए, हम बस यही चाहते हैं। वहीं विरोध के बीच आरजीकर अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की पोल खोलते हुए क्या कुछ बताया है, सुनिए। हमारे साथ फिलहाल एक इंटर्न डॉक्टर है जिनको न सिर्फ जबरन फेल किया गया, लेकिन उनके खिलाफ जो है फॉल्स एफआईआर भी की गई। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो और डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ, वो उसमें शामिल थे। और ये प्रोटेस्ट और ये आंदोलन इसलिए हो रहा था क्योंकि बेसिक चीजों की मांग की जा रही थी, वॉशरूम्स की मांग की जा रही थी, कॉमन रूम की, और साफ सुथरा जो है कैंपस रहे इसकी मांग की जा रही थी। इसीलिए उन्हें आइडेंटिफाई कर जो है उनके खिलाफ फॉल्स एफआईआर भी की गई। और आरोप ये भी है उन पर कि कई ऐसे मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर, उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता था, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। और अगर किसी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उनको एमबीबीएस डिग्री नहीं मिलती है। तो साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स इंटर्न डॉक्टर्स के करियर के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था। ये तमाम जो करप्शन चल रहा था इस अस्पताल में, उस बीच में डॉक्टर अनुभव शाह आप बताइए कि किस तरह से आपको जो है फेल किया गया और आप पर आप बता रहे थे कि फॉल्स एफआईआर भी की गई है, क्यों हुआ ये सब कुछ आपके साथ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले आज से 2021 में हम सब स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष सर के अगेंस्ट में, देन प्रिंसिपल, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए फेस एंड और हम लोगों को फेल करवाया गया, हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए, हमको हॉस्टल में घुसने से मना किया गया, हमें क्लास से मना किया, क्लास करने से मना किया गया, हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया, हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया, हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबे लिया उसमें नहीं लिया गया, जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा, और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गुंड्स नॉट डॉक्टर्स, ओके। एंड बहुत, तो ये बताइए 2021 में आंदोलन किन चीजों के लिए हो रहा था? फॉर बेसिक डिमांड्स लाइक फ्रेश फेयर एंड फ्रेश हाउस टॉपशिप काउंसिलिंग, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हॉस्टल बाथरूम्स, रेगुलर हॉस्टल एकोमोडेशन एंड मेनी बेसिक डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट एनी फाइनेंशियल और एनी टाइप ऑफ, नो दिस टाइप ऑफ डिमांड्स रहे, और बेसिक डिमांड्स थे और इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने हमको थ्रेट दिया, देना स्टार्ट किया ऐसे सप्ली देकर, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोसेस थे, इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया। तो एक चीज हमने देखा है कि 9 तारीख को जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर भी हुआ,
वो सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट कर रही थी। 36 घंटे 48 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोग के पास कोई मतलब सोने का, आराम करने का, रेस्ट करने का कोई कॉमन रूम भी नहीं है, तो क्या ये भी एक वजह थी कि अगर शायद वो सेमिनार हॉल में नहीं जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2021 से जो है ये सारी बेसिक डिमांड्स जो है उठाई जा रही थी, लेकिन संदीप घोष ने जो है फुलफिल नहीं किया इन डिमांड्स को। हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जो सेमिनार रूम है और जो सब डॉक्टर्स रूम है वहाँ पर ही इंटर्न को या फिर यहाँ पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए अलग है, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही रूम होता है और कई बार तो रूम ही नहीं होता है, और यहाँ पर तो एसी था लेकिन कई रूम में कोई एसी भी नहीं होता है, रात में फैन भी नहीं होता है, हम लोग को वहाँ पर रात में ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि हमको नर्सिंग स्टेशन में भी सोना पड़ा है, कभी कभी कुछ रूम नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हॉस्टल जाना पड़ता है रहने के लिए, और बहुत सारे हॉस्टल ऐसा है जो कैंपस से बाहर है, तो बहुत मुश्किल होता है। और हमारे एकोमोडेशन का प्रॉब्लम पहले से ही था, क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2019 फ्रॉम 200 टू 250 इन यूजी, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू इंक्रीज द सीट ऑल्सो ना, सो दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग। एक बात बताइए, आप भी कह रहे थे कि आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर हुई, ये किस लिए हुई? क्योंकि आप लोग कुछ जो है मेडिकल स्टूडेंट्स मिलकर उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इसलिए आप पर जो है फॉल्स एफआईआर हुई? देखिए, ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल वाज द डिक्टेटर ऑफ दिस कॉलेज एंड ही ट्राइड टू एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक वॉइस इन द कैंपस, दे हैव ट्राइड टू सप्रेस दैट, ओके। एंड मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे साइकेट्रिक काउंसलिंग करवानी पड़ी, मुझे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, वेरियस मेडिकेशन ऑब्जर्व, एंड ऐसा एक बार हुआ कि मुझे सुसाइड करने की कोशिश करनी पड़ी, कटिंग माय रिस्ट, ओके। एंड तो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है उनके करियर के साथ, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो हर कोई इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है, वो बेहद कष्ट करके इतना खर्चा करके जो है अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं और उनको जो है जबरन फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ फेल नहीं होता, किसी जो सीनियर होते हैं, जो इंटर्न होते हैं, उन लोगों का क्लियरेंस भी जब्त किया जाता है, जो एचओडी होते हैं उनको प्रिंसिपल सर रूम में घुसने ही नहीं देते, आधा घंटा, एक घंटा, पांच घंटा भी उन लोगों को वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जुल्म से स्टूडेंट्स पर हुआ है, एचओडी पर, प्रोफेसर पर, किसी भी डॉक्टर पर संदीप घोष सर ने जुल्म किया है।